अरे मुझे कोई बाहर निकालो, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे कोई मेरी सुनता है, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। कोई तो होगा मेरी सुनने वाला, मुझे बाहर निकालो। अरे भाई कौन हो तुम, कहाँ हो, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे किसी तांत्रिक ने मंत्र विद्या द्वारा मटके में बंद करके जमीन में गाड़ दिया है। परंतु तुम हो कहाँ? भाई मैं तुम्हें वो स्थान बताता हूँ, थोड़ा आगे चलो, थोड़ा और आगे, थोड़ा सा और आगे, बस 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 यही हूं मैं। तुम मुझे खोद कर बाहर निकालो। हाँ भाई अभी निकालता हूं। अरे भाई जरा इसका कपड़ा तो खोलो और मुझे बाहर निकालो। अगर मैं इसकी सहायता करूं तो यह मेरा जीवन भर आभारी रहेगा और मेरी सहायता भी करेगा। हो सकता है फिर मुझे कोई अनधन की जरूरत ही ना रहे। अरे भाई आखिर किस सोच में डूब गए हो, जरा इसका कपड़ा तो हटाओ। मैं आपको बाहर क्यों निकालूं और इससे मुझे क्या लाभ होगा? मैं आपको बहुत धन दूंगा। आप तो इस मटके में बंद हो तो मुझे धन कहां से मिलेगा? मैं तुम्हें सच में धन दूंगा। मेरे पास धन की गठरी थी जो मैंने उस तांत्रिक के आने से पहले ही सुरक्षित स्थान पे छुपा दी थी। मैं आप पर विश्वास क्यों करूं? आप बाहर आकर अपने वचन से बदल भी तो सकते हो। मैं मटके का ढक्कन तो खोल दूंगा, तुम पहले मुझे वचन दो कि तुम बाहर आकर मुझे धन अवश्य दोगे। मैं वचन से नहीं हटूंगा, पहले मटके का मुंह तो खोलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अब आप मुझे अपने वचन के अनुसार मुझे धन देने की कृपा करें। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मैं आपको धन दे देता हूँ।
अभी और कितना आगे चलना पड़ेगा? कहीं आप मुझे धन के भंवर जाल में फंसाना तो नहीं चाहते? नहीं नहीं, वो रहा स्थान, वहां है। ये रहा स्थान, यहां से खोदो। लो भाई, ये रही गठरी, निकालो धन। रुको भाई, तुम्हारी तो इच्छा पूर्ण हो गई, मेरी भी तो इच्छा पूर्ण कर दो। तुम्हारी कौन सी इच्छा है? बहुत जोर की भूख लगी है। बस इतनी सी बात? ये लो, इसमें खीर पूरी हलवा है। आज मेरी पत्नी ने व्रत का उद्यापन किया था, मैं इसे मेरे लिए ले जा रहा था, इसे तुम खा लो। इससे तो मेरी पूर्ति नहीं होगी। मेरे पास जो था मैं दे रहा हूं, अगर इसे भी आप अल्प मानते हैं तो आप मेरे घर चलिए। तुम तो बहुत भोले हो, भोजन तो मेरे लिए पर्याप्त है, घर जाने की आवश्यकता नहीं। अरे भाई, तुम कभी कहते हो भोजन कम है और कभी कहते हो भोजन पर्याप्त है, ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम तो अति भोले हो, क्या तुम्हें अभी तक ज्ञात नहीं हुआ कि तुम ही मेरा भोजन हो? यह खीर पूरी हलवा तुमसे ज्यादा स्वादिष्ट नहीं हो सकता। अरे भाई, तुम कौन हो? अब मैं तुझे खाकर अपने उदर की भूख मिटाऊंगा। मैंने तुम्हारा जीवन बचाया है और तुम मुझे मारना चाहते हो, यह अन्याय है। शेर जीव जंतु को मारकर अन्याय नहीं करता, वो अपनी भूख मिटाता है क्योंकि वो खीर हलवा पूरी नहीं खाता। और उसी प्रकार तुम मेरा भोजन हो।
शेर एक जानवर है, वह न्याय अन्याय नहीं जानता, परंतु तुम तो जानते हो। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम दया भावना से क्यों नहीं सोचते, मैंने तुम्हारा भला किया है भला। भलाई का जमाना कहाँ है, वो देखो उस वृद्ध बैल को, उसने सारी उम्र अपने मालिक की भलाई ही तो की है। अब ये वृद्ध हो गया तो इसे घर से निकाल दिया। अब ये इस वन में किसी शेर का शिकार बनेगा, कहाँ गई इसकी भलाई। बैल की नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी। मैं भी तो तुम्हें वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर तुम बैल की भलाई नहीं मानते तो उस वृक्ष को देखो, इसने न जाने कितने लोगों को फल फूल और शांति दी है। इसके पश्चात भी तो लोग इसे काट कर ले गए, इसने भी तो परोपकार किया था। अब तो मुझसे भूख और सहन नहीं होती, अब तो मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगा। ठीक है, मरने वाले की अंतिम इच्छा सभी पूरी करते हैं, तुम भी तो करोगे। कहो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं किसी व्यक्ति से पूछ के यह संतुष्ट हो जाऊं कि मैंने तुम्हारा जीवन बचा करके जो भलाई का कार्य किया है वह न्यायपूर्ण है या नहीं है। अगर वह कह देगा कि मैंने तुम्हारा जीवन बचाकर अच्छा नहीं किया तो तुम मुझे खा लेना। अच्छा ठीक है। परंतु तुम मेरे साथ इस रूप में नहीं, उसी व्यक्ति के रूप में आओ। तुम उसे कहोगे कि ये धन मेरा है, मैं लेना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कि ये धन मेरा है, मैं लेना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। तो फिर चलो, क्यों देर कर रहे हो, चलो। Thank you.
कुछ हाथ लगा? अरे कुछ नहीं हाथ लगा, अरे कोई शिकारी नहीं मिला। चलो और देखते हैं। कुछ शिकार किया भाई? अरे भाई शिकार तो कोई मिला ही नहीं, करता कैसे? तुमने कोई शिकार किया क्या? हाँ भाई, मैंने तो दो शिकार किए हैं और संध्या भी होने वाली है। भाई हम दोनों तुम्हारे लिए शिकार ढूंढ लेते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास दो शिकार हैं, एक तुम ले जाना एक हम ले लेंगे। ठीक है चलो हम चलते हैं। चलाओ भाई। अरे रुको, वो देखो साधु जी आ रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बच्चा, संध्या होने वाली है, इस वक्त वन में क्या कर रहे हो? ज्ञात है जंगल में जंगली जानवर बहुत हैं। महात्मा जी एक शिकार करना है फिर चले जाएंगे। शिकार? छी 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 छी, इतना घोर पाप कर रहे हो आप। जानवर को मारना एक पाप है। महात्मन अगर शिकार नहीं करूंगा तो बच्चे को पालन पोषण कैसे करूंगा? क्या सभी प्राणी तुम्हारे जैसे बच्चों का पालन पोषण करते हैं? महात्मन सभी तो नहीं करते। अरे मानव आपको ज्ञात है जीवों को मारना कितना घोर पाप है। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो। मानवता नहीं तो मा...
पहचान बिना हरि के, बिना हरि के जाने बंदे तन तेरा धरती पे भार, सारे वेदों का ये सार। मानव में मानव तन ही तो मानव जीवन है बेकार, सारे वेदों का ये सार। मानव भेजा है तुझको करने सब जीवों से प्यार, सारे वेदों का ये सार। मानव में मानव तन ही तो मानव जीवन है बेकार, सारे वेदों का ये सार। मानव ही रंग है खून का सब में, एक ही सब जीवों में प्राण। एक ही रंग है खून का सब में, एक ही सब जीवों में प्राण। एक ही सब का मालिक बंदे फिर कैसा तुझको अभिमान, फिर कैसा तुझको अभिमान। सबको गले से लगाना बंदे सारे वेदों का ये सार। मानव में मानव तन ही तो मानव जीवन है बेकार, सारे वेदों का ये सार। मानव में सारे वेदों का ये सार। मानव में मानव तन ही तो मानव जीवन है बेकार, सारे वेदों का ये सार। मानव में हमें माफ करना महात्मन, हम तो मूर्खतावश ये पाप कर रहे थे। आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा, जानवरों को रक्षा करूंगा। हमें क्षमा कर दे गुरुदेव। जाओ बच्चा, क्षमा किया। Thank you.
वो महात्मन आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। चलो फिर पूछो। प्रणाम महात्मन। खुश रहो बच्चा। प्रणाम महात्मन। महात्मन, हमारी एक शंका का समाधान कीजिए। हाँ हाँ बोलिए, आपको क्या शंका है? महात्मन, ये धन मेरा है, परंतु ये कहते हैं ये धन मेरा है। नहीं महात्मन, ये धन तो मेरा ही है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। नहीं महात्मन, ये झूठ बोल रहे हैं, ये धन मेरा है। नहीं महात्मन, मैं सत्य कह रहा हूं, यह धन तो मेरा ही है। ये धन के लालच में आके झूठ बोल रहा है। नहीं महात्मन, ये धन मेरा है, ये झूठ बोल रहा है। महात्मन, आप मुझसे कोई भी वचन ले सकते हैं, ये मेरा है। महात्मन, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये धन मेरा है। नहीं महात्मन, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। ये धन के लालच वश आकर ऐसा झूठ बोल रहे हैं महात्मन, यह धन तो मेरा ही है। इनसे पूछो, पूछो इनसे, जब इन्होंने मुझे मटके से बाहर निकाला था तो ये धन किसके पास था? पूछिए, पूछिए इनसे, पूछिए महात्मन आप इनसे। नहीं महात्मन, ये झूठ बोल रहे हैं, इतना बड़ा व्यक्ति मटके में कैसे आ सकता है? महात्मन आप ही बताएं, ये झूठ बोल रहा है। महात्मन मेरी बात पर आप यकीन कीजिए। नहीं महात्मन, मैं तो सत्य ही कह रहा हूँ, झूठ तो ये बोल रहे हैं। मैं तो मटके में ही था, ये धन तो मेरा ही है। महात्मन हमारा न्याय कीजिए। नहीं, तुम सत्य नहीं कह रहे, ये सत्य कह रहा है। इतना बड़ा व्यक्ति मटके में कैसे आ सकता है? नहीं महात्मन, आप अन्याय कर रहे हैं। आप जरा मटका लाइए, मैं उसमें आपको प्रवेश करके दिखाऊंगा, तब तो आपको यकीन हो जाएगा कि मेरी बातें सत्य है और ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। यदि तुम इस मटके में प्रवेश कर गए तो ये धन तुम्हारा। जाके दिखाओ मटके में। लो, जल्दी से इस कपड़े से मटके का मुंह बांध दो। महात्मन आप धन्य हैं। महात्मन, साधुओं ने हमेशा मानव का कल्याण किया है, यह मैंने आज तक सुना ही था, परंतु आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। महात्मन, यह आपको मालूम कैसे हुआ कि यह राक्षस था? कि जब इसने प्रणाम किया था उसी वक्त मुझे ज्ञात हो गया था ये राक्षस है। प्रणाम महात्मन। खुश रहो बच्चा,
आप धन लेके और इस मटके को किसी सुरक्षित जगह में गाड़ देना। जो आदेश।